तो जय हिंद दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी के बारे में, बात करने वाला हूँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, बात करने वाला हूँ कि बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं ध्यान से, मैंने स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया दोस्तों, 64th कंबाइंड कॉम्पिटेटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें साफ साफ लिख दिया और देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ क्यों हुआ है मैं बताता हूँ पूरी जानकारी आपको। आप लोग वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, जितने भी भाई लोग हैं वीडियो को एंड देखें, लड़के हों लड़कियाँ हों जो भी हैं, ठीक है, ध्यान से देखें आखिर क्यों फॉर्म रिजेक्ट, लगभग बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लगभग 15,000 से ऊपर फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं, यानी ज़्यादा ही, मैं उतना काउंट नहीं किया हूँ लेकिन जो भी है बहुत ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आखिर क्या कारण है आप लोग ध्यान से देख ले भाई लोग जो भी हैं, ठीक है। और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया गया है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर हु एंड डन रजिस्ट्रेशन बाय, यानी 30 तारीख तक जो रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके ठीक था, ठीक है, 30 तारीख लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड मेड पेमेंट है ना 3/9 तक था, 3 सितंबर तक आपका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट था। यू हैव नॉट सबमिटेड फाइनल एप्लीकेशन एज पर दी 4 बजे तक जो 7 सितंबर तक नहीं किए थे उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, यानी कि बहुत सारे भाई लोगों का पेमेंट नहीं हुआ था तो इसलिए उनका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तों। तो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखिए है ना, तो यही कारण है, बहुत सारे भाई लोग देख लिए होंगे लेकिन उनके लिए अच्छी बात है, जो लोग देख लिए, जो लोग नहीं देखे हैं लोग ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है बहुत सारे लिस्ट है, लगभग 115 पेज का लिस्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं 115 पेज, यानी आप लोग समझ सकते हैं कितना सारा लिस्ट है, ठीक है। और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स करें दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कोई भी किन्हीं के मन में कोई भी सवाल, और जो नए व्यूअर्स आने चैनल पर सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि बीपीएससी का मैं हर एक कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे आपका एग्जाम होने वाला है, क्या प्रोसेस है, मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं किया लेकिन फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो कुछ अलग ही देखने को, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि क्यों रिजेक्ट हुआ, तो मैंने इसी चलते वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, और ऐसा कोई कारण मुझे नहीं था कि मैं वीडियो बनाता, लेकिन इतने सारे फॉर्म रिजेक्ट होना के क्या करना, शायद लग सकता है आप लोग को टाइम भी दिया जा सकता है, शायद फिर से आप लोग का डेट निकाला जाएगा, क्योंकि इतना सारा बहुत बड़ी मात्रा में फॉर्म रिजेक्ट होना, यानी फिर से आपको टाइम लगता है, चांस है ज़रूर दिया जाएगा, यानी कि बीपीएससी कमीशन जो ऑफिस वाले हैं वो आपको टाइम ज़रूर देंगे, शायद फिर से डेट निकालेंगे कुछ, जो भी है नहीं है फिर से पेमेंट करें, तो अगर करें तो अच्छी खुशखबरी की बात होगी जो भी भाई लोग हैं, जितना जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर यही अपडेट था दोस्तों, और इतना सारा भरी बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है और पेमेंट नहीं हुआ है, बहुत लोगों को सर्वर बिजी के चलते पेमेंट नहीं हुआ है, क्या कारण है नहीं पता उतना, लेकिन यहाँ पर वही सो गया, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट आप लोगों ने नहीं पे किया था इसलिए आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर साफ साफ यही लिख दिया गया है और इससे ज़्यादा तो कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और लगता है कि फिर से रीओपन किया जाएगा साइट को और फिर उसके बाद आप लोग ऑनलाइन कर पाएंगे, पेमेंट करने के लिए टाइम दिया जाएगा, जैसे ग्रुप डी में दिया गया था, अभी SSJD का चल रहा है आपका, ठीक है। तो बस ये छोटा सा अपडेट था दोस्तों, और किन्हीं के मन में कोई भी सवाल है कमेंट्स करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, तो जय हिंद जय भारत।